हेलो, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? विधि शास्त्र में हमने विधि के स्रोतों के अंदर देखा कि विधायन क्या है और प्रथा क्या है। इन दोनों को अपने स्रोतों के रूप में देखा। न्यायिक पूर्व निर्णय और इत्रोक्ति निर्णयाधार निर्णय अनुसरण, ये कुछ चीजें हैं जो अपन लास्ट में इनको देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं विधि के स्रोतों के रूप में, तो हम इनको बाद में देखेंगे। इससे पहले आगे जो सेकंड यूनिट आपकी आती है, सेकंड यूनिट के अंदर कुछ स्कूल्स हैं, विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को लेकर के आज अपन देखेंगे कि कौन कौन सी विचारधाराएं आपके आने की संभावना है और सिलेबस में क्या क्या है। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र की विचारधाराएं या विधि शास्त्र की जो शाखाएं हैं उनको लेके है। इसमें एनालिटिकल पॉजिटिव है, परमाणुवादी विचारधारा, जिसमें जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन, एच एल ए हार्ट, फिर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विचारधारा जिसमें वॉन सेविनी एंड हेनरी मैन, फिर सोशियोलॉजिकल विचारधारा जिसमें इहरिंग, इहरलिच, रोस्को पाउंड, फिर प्राकृतिक विचारधारा है जिसमें रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरलिटी, धर्म और नैतिकता में संबंध, फिर अमेरिकन रिलीजन में यथार्थवाद जिसमें होम्स का आता है, ओलिवर कोरोना, फेमिनिज्म है नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, डिजायर डोमिनियन, डोमिनियंस थ्योरी, कल्चर फेमिनिज्म। तो इस टाइप के ये कुछ चीजें हैं स्कूल्स को लेकर के। तो उनमें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपके कौन सी है, वहां तो सिलेबस में लिखे पर यहाँ बता देता हूँ। आपके प्राकृतिक विधि के बारे में, विश्लेषणात्मक परमाणुवादी स्कूल्स, ऐतिहासिक विचारधारा, मार्क्सवादी एवं यथार्थवादी, समाजशास्त्रीय विचारधारा और यथार्थवादी, मार्क्सवादी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण है, ठीक है, समाजशास्त्रीय विचारधारा और यथार्थवादी दृष्टिकोण, ये कुछ स्कूल्स हैं, कुछ विचारधाराएं हैं विधि शास्त्र की। तो प्राकृतिक विधि है, उसमें ईश्वरीय इच्छा का सिद्धांत, व्यक्तिवादी प्राकृतिक विधि का अभ्युदय, शास्त्रीय प्राकृतिक विधि, सुकरात और प्लेटो, प्राकृतिक विधि की विचारधारा के बारे में स्टोइक के क्या विचार हैं। तो इनको लेकर के एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है। यानी इस प्राकृतिक विधि के बारे में, प्राकृतिक विधि विचारधारा है, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। दूसरी जो है विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल जो प्रमाणवादी विचारधारा है वो ये इम्पोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इस प्रमाणवादी विचारधारा में से। प्रमाणवादी विचारधारा, विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा, इसके तीन सिद्धांत है। पहला है समावेश का सिद्धांत, या जिसे विधि का अज्ञापक सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा है शुद्ध विधि का सिद्धांत, जिसे विशुद्ध विधि का सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरा है मान्यता का सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत है, समावेश का सिद्धांत या विधि का अज्ञात्मक सिद्धांत है, वो आस्तीन का सिद्धांत है, और एक इसके साथ बेंथम का सिद्धांत है। तो आस्तीन और बेंथम दो इस समादेश के सिद्धांत में आते हैं। तो आस्तीन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आस्तीन का क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। दूसरा है शुद्ध विधि का सिद्धांत या विधि का विशुद्ध सिद्धांत, ये केल्सन का दिया हुआ सिद्धांत है, हेंस केल्सन का विशुद्ध विधि का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा एच एल ए हार्ट का जो मान्यता का सिद्धांत है, इसके चांस कम है, यानी ये आने की संभावना कम है, आ तो सकता है पर संभावना इसकी कम है। तो विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी के अंदर अपने पास दो सिद्धांत हैं, विधि का अज्ञात्मक सिद्धांत या समादेश का सिद्धांत, दूसरा शुद्ध विधि का सिद्धांत या विशुद्ध विधि का सिद्धांत, यानी आस्तिन को हमने पढ़ना है और केलसन को हमने पढ़ना है। ये दो अगर हम यहां से कर लेते हैं तो अपना काम बढ़िया चलेगा। तीसरी ऐतिहासिक विचारधारा, हिस्टोरिकल जो स्कूल है वो, इसके साथ साथ विकासवादी सिद्धांत भी है। तो इसके अंदर जर्मन जो ऐतिहासिक विचारधारा है सेवेनी की, वो है, सेवेनी ने सिद्धांत दिया था लोक चेतना का सिद्धांत,
दूसरा ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा है जो इसके विधि शास्त्री है हेनरी मैन, इन्होंने सिद्धांत दिया परास्थिति से संविदा की ओर, परास्थिति से संविदा की ओर। तीसरा दार्शनिक इतिहासवादी विचारधारा जिसका जो विधि शास्त्री है वह है हेगल, प्रणेता हेगल और कोहलर, इन्होंने सिद्धांत दिया। इसी ऐतिहासिक विचारधारा में विधि का विकासवादी जो सिद्धांत दिया हुआ है वो है हर्बर्ट स्पेंसर का। तो यहां से अगर हम देखें एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो यहां से एक तो सेविनी का जो लोक चेतना का सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट बनता है, दूसरा हेनरी मैन जो ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा है जिसने परास्थिति से संविदा की ओर सिद्धांत किया था ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, दो सिद्धांत यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। मार्क्सवादी एवं आर्थिक दृष्टिकोण है इसमें से, ये मार्क्स का दिया हुआ सिद्धांत है विचारधारा है, इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना कम है। इसके अलावा समाजशास्त्रीय विचारधारा है, समाजशास्त्रीय विचारधारा में अगस्त कांटे, मैक्स वेबर, दुर्खिम, एहरिंग, ड्यूकिट, एयरलिच, रास्कोपॉन्ड बहुत सारे विधि शास्त्री इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत यानी रास्कोपॉन्ड इंपॉर्टेंट है, और ड्यूगिट जिन्होंने सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया है ये इंपॉर्टेंट है। यानी पूरे यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है इसमें से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो इन सब के अंदर अगर हम देखें तो हम अगर केलसन को पढ़ लें, हम ऑस्टिन को पढ़ लें, हम सेविनी को पढ़ लें, हेनरी मैन को पढ़ लें, और ज्यादा अगर करें तो हम ड्यूगिट और रास्कोपॉन्ड को पढ़ लें, यानी छह अगर हम विधि शास्त्रियों का अध्ययन कर लेते हैं, इन छह विधि शास्त्रियों का सिद्धांत हम देख लेते हैं, तो इस सेकंड यूनिट के अंदर हमारा क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा, आराम से। हालांकि क्वेश्चन तो दो भी तीन भी बताऊंगा उसमें से भी आ जाएंगे, पर अगर छह प्रश्न पढ़ लेते हैं, छह प्रश्न का मतलब छह विचारधाराएं अगर हम देख लेते हैं इन सभी के अंदर से, सारे विधि शास्त्रियों में से केवल छह को अगर हम पढ़ लें तो हमारा यहां से सेकंड यूनिट का जो चैप्टर है विधि शास्त्र की विचारधाराएं, इसमें से कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको आए नहीं एग्जाम, ठीक है। तो ये आपके इस विधि शास्त्र की विचारधारा में से जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किन किन विचारधाराओं का, वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो समादेश का सिद्धांत और शुद्ध विधि का सिद्धांत, विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा, इसमें दो सिद्धांत हमने देखने हैं। ऐतिहासिक विचारधारा उसमें सेविनी और हेनरी मैन को देखना है, लोक चेतना का सिद्धांत और परिस्थिति से संविदा की ओर, और तीसरा समाजशास्त्रीय जो विचारधारा है उसमें हम ड्यूगिट और रास्कोपॉन्ड को देखेंगे। ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया और रास्कोपॉन्ड ने सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया, सोशल इंजीनियरिंग का। तो ये छह अगर हम विधि शास्त्रियों का अध्ययन यहाँ करते हैं तो हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये सेकंड यूनिट का है आपका, फर्स्ट यूनिट का हमने जो आने वाले थे एग्जाम के अंदर लगभग उसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, विधि शास्त्र का अर्थ क्या है, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, फिर विधि के स्रोत, विधि के स्रोतों में हमने विधायन और रूढ़ि का अध्ययन कर लिया है, वहां से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर फर्स्ट यूनिट में और कुछ देखें तो पूर्व निर्णय व्यवस्था है, ओबिटर व्यवस्था है, स्पेयर डिसीजन व्यवस्था है, रेशियल रेशियो डिसीडेंडी व्यवस्था है, पर इनमें से एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो 10-10 नंबर के शॉर्ट नोट बना के वो क्वेश्चन दे सकता है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। जितना करवाया है उतने में से एक प्रश्न आपको आराम से एग्जाम में मिलेगा फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है केवल दो जो इम्पोर्टेंट ज्यादा है केवल उन्हीं दो की चर्चा पहले करेंगे, समय बचेगा तो हम आगे तीसरे और चौथे तक हम पहुंचेंगे, पर पहले हम दो वो करेंगे जो स्टार्टिंग में जो दिन की आने की प्रबल संभावना है, या यूं कहें कि जो आने वाले हैं एग्जाम के अंदर जिनकी पूरी संभावना रहती है
मैं यूं तो नहीं कहता कि भाई आएंगे ही, पर वो आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। हम उनको कल देखेंगे, इन सिद्धांतों को हम दो सिद्धांत जो पढ़ेंगे उनको कल से कल करेंगे शुरुआत। आज थोड़ा सा अत्यावश्यक कार्य के कारण मुझे जाना पड़ेगा, ये मैटर मैंने लिखा था तो मैंने सोचा चलो ये तो मैं करवा के जाऊं, अदरवाइज क्लास भी पोस्टपोन हो सकती थी। तो हम कल आज दिन को देखेंगे जिसने विधि का अज्ञात्मक सिद्धांत दिया है, या विधि का अज्ञापक सिद्धांत दिया है, या विधि का समादेश का सिद्धांत जिसने दिया है, जॉन ऑस्टिन को हम कल देखेंगे। फिर उसके बाद एक सिद्धांत हम यहां से सेविनी में से देखेंगे, या सामाजिक अभियांत्रिकी का देखेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं कल इसी समय। हाँ, जो ऑफर्स मैंने दे रखे हैं वो आप स्टेटस पर जाकर के देख सकते हैं। मेरा नंबर आप सेव कर दें 9694383990, वहाँ आपको स्टेटस भी मिलेगा। इंस्टा पर मेरी आईडी सिमर लॉ क्लासेस के नाम से, वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं ऑफर। इस एप्लीकेशन के भी जो बैनर है वहाँ भी आपको ऑफर के बारे में जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। आज ऑफर आज शाम को 7 से 8 के बीच ही अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, 6 बजे का टाइम रहेगा।